भैया आइए, आप ही का जिक्र हो रहा था। बड़े भैया आप यहाँ आइए। भैया है आज। आपको बुरा? जी कितना कमा लेते हो आप? यही कोई लाख डेढ़ लाख मान बस। लाख डेढ़ लाख? सारे दिन यूं ही उखड़ू बैठे रहते हो या मेरा मतलब जॉब के अलावा फारिग औकात में क्या करते हो? वो मैं एक्चुअली जी कुछ भी नहीं करता फारिग औकात। ऑफिस से वापस आने के बाद हिम्मत ही नहीं होती, फिर सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता। ये सस्ती बकवास अम्मी के मुझे विरासत में अब्बा जान से मिली। क्या कहने अब्बा जी के, सुबह सुबह लस्सी का गिलास चढ़ाते थे, फिर सारा दिन किसी काम के नहीं रहते। अल्लाह बख्शे। लंबा घूंघट तो भाभी आपने ही तो कहा था लड़की वालों को दुपट्टा अच्छा लगेगा। मैंने सोचा शायद घूंघट उससे ज्यादा अच्छा लगे। मन्नत दिस इज नो टाइम टू बी चीकी। सब इंतजार करें, जल्दी आओ। ओके। सारे खानदान से मेरे बाद यह एक नहीं आई है तो लड़की ही नहीं आई है अब तक। ये जो सर्व कर चश्मे बदूर माशाल्लाह लीजिए, हमारी मन्नत आ गई। अब ये हमारी मन्नत है। ए? हम तो दुपट्टे के लिए परेशान हो रहे थे, तो घूंघट लेती है। हाँ मन्नत तुम ही सर्व करो। सारे कपड़े खराब कर दिए। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? अपनी बेटी की आंखें तो चेक करवाए, अंधी तो नहीं है आपकी बेटी गई? बड़ी भी है, क्या लायानी गुफ्तगू कर रही हैं आप? हमारी बेटी को आपने नाबीना कह दिया, हम तो लिहाज कर रहे हैं आपका। क्या लिहाज कर रहे हैं? ना करें आप हमारा लिहाज। अंधी नहीं है आपकी बेटी तो और क्या है? मेरी बेटी का पाँव कुचल दिया है, हम पे जूस गिरा दिया है, धोखा कर रहे हैं आप हमारे साथ। धोखे से आप मेरे बेटे के पल्ले बांध रहे हैं अपनी अंधी बेटी को। क्या अंदाजे गुफ्तगू है, वक्त समा खराशी कर रही है। हाँ तो क्या बात कर रही हूँ, सच्ची बात कर रही हूँ, मैं सच ही कह रही हूँ कि है कि करण दही है पर आओ के बे मैडम शमी मारा। Thank you.
वही खुशबू। हेलो मिस्टर, ये शादी नहीं हो सकती, आप जा सकते हैं। अब तो मैं यहाँ पे एक मिनट भी नहीं रुक सकती, धोखा हुआ है हमारे साथ। इनकी लड़की का तो ज़हन इत्मीनान ही ठीक नहीं है, इसीलिए मुंह छुपा छुपा कर फिर रही थी वो। मैडम शमीम, और तू तो जरा बात चाल ना मेरे नाल। अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया जो इन की असलियत आगाज में ही खुलकर सामने आ गई। ऐसे झगड़ालू और जाहिल खानदान में हम अपनी मनोतानी को झोंक नहीं सकते। इससे तो बेहतर है यही बैठी भी बूढ़ी हो जाए। और याद रखिए, हमारी बेटी हमारे पे बोझ नहीं है। और तुम भी सुन लो, ऐसे ही होना है, ऐसे ही होना है। आपकी लड़की को किसी ने भी नहीं लेकर जाना, भाइयों के सीने पर चढ़ के मुंह में लेगी सारी। समी मारा, कहा ना मैं आगे बात नहीं बढ़ाना चाहती। आप मुझे देखने के लिए आए, देख लिया, अब आप अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से चलते बनिए। और आइंदा इस घर का रुख करने की कोशिश भी मत करना। आईसी, अब समझाऊ मैं? क्या समझा? ये सारा तुम्हारा प्लान था? क्यों भाई, डिमांड हमसे क्यों? हम क्यों इनकार करें? अगर हिम्मत है तो जाओ, बाहर जाके इनकार कर तो जाओ। कर चुकी हूँ मैं इनकार, और एक नहीं कई बार कर चुकी हूँ। लेकिन मेरी फैमिली को लगता है कि अगर मेरी शादी शायद अभी नहीं हुई ना, तो कभी भी नहीं होगी। और मैं अभी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, एंड शादी इज जस्ट नॉट ऑन द लिस्ट राइट नाउ। लेकिन ये बात अब कोई समझे तब ना। तो क्या जरूरत है तुम्हें ऐसे लोगों के साथ रहने की जो तुम्हें समझते ही नहीं? तो वहां जाओ ना जहां तुम्हारी कदर हो, जो तुम्हें समझ सकता हूं। कहां जाऊं? मेरे रूम में, मेरे घर में, मेरे पास। देखो अब सारी चीजें तैयार हो रही हैं, हम लोग रिश्ता लेकर आए, बस तुम हाँ कर दो। चुप हो जाओ। क्यों चुप कर जाऊं मैं? है हमने यहाँ रुकना ही नहीं है तो चुप क्यों कर जाए? रजिया, छुरी तले दम तो लो। ये अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते। आजकल लड़कियों से ज्यादा लड़कों के रिश्तों का काल पड़ा हुआ है। तुम तो मेरे मुंह ही ना लगो। हाँ मैडम शमी मारा, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम बाहर जरा चलो मेरे साथ। मैंने कहा भी था तुम्हें कि जरा किसी ढंग के घर में हमें रिश्ता दिखाना। क्या ढंग का रिश्ता लगा रखी है? हा? ऐसे लोगों से हमको रिश्ता जोड़ना पसंद ही नहीं करते। हम नफीस और शाइस्ता त्वार के लोग हैं, ऐसे ड्रामेटिक और फसादी लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। सभी आप, तुम्हें किसने कहा इन लोगों को चाय पे बुलाने के लिए? ये हमारी मन्नत के लायक है? भैया मेरा क्या कसूर है? मैंने तो अच्छी बातें सुनी थी, और खासतौर पर लड़के की तो बहुत तारीफ सुनी थी। अरे खाक तारीफ सुनी? लड़का कहाँ गया है? मुराद कहाँ गया? मुराद भाई को तो काफी देर से नहीं देखा, बड़ी देर से गायब है। इतनी देर से गायब है, किधर गया? अरे अभी तो यही था। मेरे बेटे को तो नहीं कर लिया इन लोगों ने। अरे ये नहीं बात, हमने क्या करना है भाई उस लड़के का? हमने तो देखते ही रद्द कर दिया था दो टके के लड़के को। देखिए आप, ये उर्दू में हमारी बेइज्जती किए चले जा रहे हैं, किए चले जा रहे हैं। अगर मैंने पंजाबी बोलनी शुरू कर दी ना, तो आपने भी जहर फूंकना है। मारा। मैं बाहर देखता हूँ लड़के। किधर गया मेरा मुराद? How dare you? शकल देखिए आईने में। हाँ, अच्छी तो है। लोफर कहीं के? अगर तुम इनकार नहीं करोगे तो मैं इनकार कर दूंगी। डरती नहीं हूँ किसी से, सबके सामने जाकर बोल दूंगी ये शादी नहीं करनी तो नहीं। मिस महत, मेरी बात सुनने प्लीज, अब बैठ जाए, रिलैक्स हो जाए। तुम मुझे मेरे ही घर में, मेरे ही कमरे से बाहर जाने से रोक रहे हो? नहीं। किस किस्म की गुंडागर्दी है? पुलिस को बुलाऊं मैं अभी? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज बाहर जाके कोई बात ना करना। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी बात हटो।
हटो सामने से। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरी जिंदगी और मौत का मामला है। जब से मैंने तुम्हें देखा है तो मुझे हटो, शोर मचा दूंगी। देखो मैं कुछ छोरा आशिक टाइप लड़का नहीं हूँ। क्या हुआ? दरवाजा बंद हो गया है, इसका लॉक खराब था। ना करो यार, अब से इधर आओ, मैं कोशिश करता हूँ। इधर आओ। चलो सही से जोर लगाओ ना। लगा तो रहा हूँ। हाय नी पैड़ी हो जे परा नहीं लपड़ दे आते उन्हें फोन से कराओ। अम्मी मेरा फोन परस में है, परस गाड़ी से लेके आती हूँ। परा दे मेरे प्यारे बेटे तुम कहाँ चले गए हो? मन्नत, मंतु कहाँ चले गए बेटा? भैया मैं यहाँ, हटो ना भाई। बाजी बा, बजाय कि आप मेरे बेटे को ढूंढे, आपको अपनी लाडली की फिक्र ही पड़ गई है, वो भी अपने घर में। कैशीर खर बच्चा आपका जो घिसटता हुआ बाहर चला गया, नहीं हद हो गई, यानी इंतहाई गैर जिम्मेदार है, बगैर बताए चला गया है वो। क्या नहीं गायब करवाया है आपने? आप अपनी पागल लड़की को मेरे मासूम बेटे के सर पे थोपना चाहती है जबरदस्ती। सुन रही हो क्या गुलफिशानी फरमा रही है? ठीक ही तो कह रही है अम्मी, क्या गलत कहा है? सामने खड़ी है मुराद भाई की गाड़ी, इसका मतलब वो कहीं बाहर नहीं गए, आप ही के घर में होंगे ना कहीं। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू टेक अस फॉर? मतलब आपके बेटे को गायब करके हमें क्या मिल जाएगा? आपके सामने सारा घर ढूंढ रहे हैं, मतलब कहीं छुपा होता तो मिलना जाता। अजीब लोग हैं, कुछ भी बोले जा रही है। हाय अल्लाह जी, मैं किसे फरियाद करूं? मेरा जवान बेटा गायब कर दिया है आप लोगों ने। अम्मी आप सुनिए, आप बैठे, कोई पानी शानी तो लाए। मेरा एक ही अकलौता बेटा है। नहीं बिस्मिल्लाह, खुद को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम थाने जाएंगे, मुराद के अगवा का पर्चा कराएंगे, कोई अंधेर नगरी नहीं मची हुई यहाँ पे। थाने के दोस्त किसे दे रहे हैं? तुम्हारी बहन पुलिस बुलाने की बातें कर रही है, कुछ करो, रोको उन्हें। मैं किस तरह रोक सकता हूँ, मैं तो खुद अंदर हूँ, दरवाजा बंद है। सो वॉट, कुछ भी करो, डू समथिंग, तुम्हारी बहन है। अच्छा मुझे ये बताओ, इस खिड़की से बाहर जाने का रास्ता है? अगर होता तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ खड़ी होती। क्या तमाशा है यार। सारा घर छान मारा, अंदर बाहर ऊपर नीचे हर जगह देख लिया, कहीं नहीं मिला मुराद। कान लगाकर बातें क्या सुन रहे हो? दरवाजा बजाओ, आवाज दो ना किसी को। नहीं नहीं, बहुत गुस्से में, क्या बताऊं उन्हें, कमरे में क्या करने आया था मैं। तो ये तो ऐसी हरकत करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था ना। वैसे शर्म नहीं आई, एक लड़की के कमरे में ऐसे मुंह उठाकर चले आए हो। तुम सिर्फ ये बताने आया था उस दिन मोबाली। अम्मी मैं आऊं। बेटा यही पर, यही है। अम्मी मैंने भी सुनी आवाज। सुनी तो मैंने भी है। मुराद कहो बेटे। अम्मी मैं यहाँ इस वाले कमरे में। आवाज तो मन्नत के कमरे की तरफ से आ रही है। क्या? हटा तो। मन्नत दरवाजा खोल बेटा। बड़े भैया दरवाजा लॉक हो गया है, खुल नहीं रहा है, बहुत कोशिश की है। कमरे में कौन है तुम्हारे साथ? बोलो ना। हमने पूछा कमरे में कौन है तुम्हारे साथ? बोलो। मैं हूँ। मैं कौन? चौधरी मुराद अस्मत अली। बड़े भैया मैं अंदर हूँ, दरवाजा लॉक हो गया है, मैंने बताया था भाभी को कि बंद हो जाए, खुलता नहीं है, फिर ठीक करवाना है। भैया मन्नत सही कह रही है, उसने मुझे कहा था, बल्कि मैंने तुम्हें कोई 100 दफा कहा था कि कारपेंटर बुला के लॉक ठीक करा लो, लेकिन राम है तुम्हें घर के किसी भी काम में कोई दिलचस्पी हो। तुम्हें भी यही मौका मिला शौहर पे चढ़ाई करने का,
देखा मैडम शमीमा, मैं नहीं तुमसे कहती थी कि इन्होंने मेरे बेटे को अगवा किया है और अगवा करके हमसे भेजा में रख के अपनी पागल बेटी से मेरे बेटे का जबरदस्ती निकाह पढ़वाना चाहते हैं। हाँ, तुम्हारा मुराद तो नन्ना बच्चा है ना, जिसे जबरदस्ती कोई गोद में उठा के कमरे में लेके गया। अरे पूछो उससे, पूछो ना क्या करने गया है मन्नत के कमरे में। ए? बड़े भैया मुझे तो चक्कर कुछ और लगता है। पिस्तौल कहाँ है हमारा? अरे पिस्तौल की क्या जरूरत है बड़े भैया? अरे लॉक मास्टर है ना, आप कह रहे हट जाओ रास्ते से। आज हमारे ये भैया तुम्हारी जरूरत कैसे होगी हमारी बहन के कमरे में जाने की? खोलो दरवाजा वरना गोली से उड़ा देंगे। मुझे क्या कह रहे तुम्हारे बड़े भाई? तुम इतना देखते हम करते क्या दरवाजा? चौधरी साहब ये लीजिए पानी पीजिए। तुम तो बहुत जल्दी घबरा गए चौधरी साहब। अब उड़ा लो मजाक उड़ा लो तुम मेरा। नहीं मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही, लेकिन मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि ये रिश्ता जो तुम मेरे घर लेकर आए हो तो ये सब तो फॉर्मेलिटीज हैं। मतलब यूं समझो कि ये तो छोटी मोटी रुकावटें तुम्हारी चौधराहट, तुम्हारी मर्दानगी का असल इम्तिहान है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इसमें तुम बहुत बुरी तरह फेल हो गए हो। एक मिनट, तुम्हारे भैया जी मुझ पर बंदूक तान कर मेरी बहादुरी का इम्तिहान ले रहे थे। मैडम फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, बंदूक के सामने सीना तान कर गोली खा लेना बहादुरी नहीं बेवकूफी है। से भी आज का दौर बदल चुका है, पता नहीं क्या सोच है तुम्हारी। आजकल की औरतें ना बहादुर मर्दों को नहीं ज़हीन मर्दों को पसंद करती, जो कि मैं हूं। ओह रियली? यानी कि तुम्हारी डिक्शनरी में बुजदिली का दूसरा नाम जहानत है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मिस्टर मुराद हशमत अली, मुझे ज़हीन मर्द नहीं पसंद, मुझे बहादुर मर्द पसंद है, जो कि तुम नहीं हो। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, ये बंदूकें और गोलियां हमें नहीं डरा सकती। हम जद्दी पुश्ती हैं जिम्मेदार। जमीन के छोटे टुकड़े के लिए ना हमारे बाप दादा ने बड़े मार के और जंगें लड़ी। ये बंदूकें पिस्तौलें हम चौधरियों को नहीं डरा सकते। दरवाजा खुले सर, हमारे भाई के सामने ऐसा जाऊंगा ना। तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? जी नहीं। व्हाटएवर, दरवाजा क्यों लॉक किया है? मैंने लॉक नहीं किया और ना ही मेरी कोई गलती है, इसने किया है लॉक। जी भाभी मन्नत का कोई कसूर नहीं है, मैं ही गलती से अंदर आ गया था तो दरवाजा बंद हो गया। अच्छा मेरी बात सुनो, भैया लॉक मास्टर का वेट करें, ठीक है? जैसे ही दरवाजा खुलता है ना तुमने फौरन सामने आ जाना, भैया तुम्हें देखेंगे तो थोड़ा उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। जो भी बात है ना उनको सच सच बता देना, होपफुली ही जस्ट काम डाउन, ठीक है? ओके ओके। एक्सक्यूज मी, वो मैंने पूछना था कि मेरी मम्मी ठीक है, ज्यादा गुस्से में तो नहीं है? बाहर निकलोगे ना तो खुद ही देख लेंगे। इट्स ओके, ठीक है भाभी, बाय, थैंक्स। क्या हुआ? आपको भूख लगी होगी ना, ये ले कपकेक्स। थैंक यू सो मच आदि, मुझे वाकई बहुत भूख लग रही थी। कपकेक? Thank you.
पूछो ना मेरे दिल से क्या हाल है। नजर मिली जब उनसे बेहाल है उसकी एक झलक मेरी जान रोहित तो नहीं ना। अब भी आ जाता है कारपेंटर, खोल देगा दरवाजा, ऐसे आ जाएंगे मुराद भाई आपके सामने। इतनी देर से मेरा बेटा बंद है कमरे में, मैंने तो कभी किसी जवान लड़की का साया भी नहीं पड़ने दिया उस पर। पता नहीं क्या क्या डोरे डाल रही होगी वो मेरे बेटे पर। अम्मी अब तो ऐसी रो रही है जैसे मुराद भाई कमरे में नहीं जेल में बंद हो गया। चुप हो जाइए ना, बस कर। अल्लाह बेहतर करेगा अम्मी, आपको तो ऐसे हॉल उठ रहे हैं जैसे मुराद कोई दूध पीता बच्चा है। वो अपना अच्छा बुरा ना खुद अच्छी तरह से जानता है, कोई नहीं उसका कुछ बिगाड़ सकता। उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पर हमारा तो बिगाड़ सकता है ना। तुम लोगों को पता नहीं है आजकल की लड़कियों को ऐसे स्किन टोन में मर्दों के दिमाग तब्दील कर देती है। पता नहीं क्या क्या डोरे डाल रही होगी मेरे बेटे। मैडम जी मेरी मारा अम्मा मेरा तेरा बेटा गर्क हो जाए, तुम तेरा काम करा रहे बगैर थे। भाई कब से बुला रहे हैं तुम्हें, आखिर कितनी देर लगेगी? अरे बताया तो था हमारी बहन कमरे में बंद है, ताला तोड़वाना है। ज्यादा पैसे ले लो मगर आ जाओ। आखिर कितनी देर लगेगी तुम्हें आने में? आधा घंटा और? आधा घंटा और लगेगा उसे? भैया हमारा घर भी तो। अरे क्या दूर चांद पे मरी कोई घर हमारा? भाई आप जल्दी आए बस। आ चुका वो, हम खुद तोड़ लेंगे दरवाजा, दरवाजा दीवारें छीने। आप कैसे तोड़ेंगे चौधरी मुराद हशमत अली। वैसे जब मैंने तुम्हारा नाम सुना था और तुम्हारे शजरा नसब के बारे में मुझे पता चला ना, काफी इंप्रेस हो गई थी। मुझे लगा कोई बहुत ही बारोब दबदबे वाला चौधरी होगा, बड़ी सी अपनी चमचमाती हुई गाड़ी में आएगा, ढेर सारे फल बहुत सारी मिठाई की टोकरे लेकर आएगा मेरा हाथ मांगने के लिए। बट तुम्हें देखकर ना ऐसा लग रहा है जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की उंगली थामे मेले में चल रहा था, अब उनसे बिछड़ गया। देखो मैं बच्चा नहीं और ना ही मुझे अम्मी की याद आ रही। मुझे फिक्र इस बात की है कि बाहर जाके अम्मी को कैसे फेस करूंगा। क्या हरकत की मैंने? मुझे तो बहुत धमकियां दे रहे तुम्हारे बड़े भैया, एक लॉक मास्टर नहीं आया अभी तक। बड़े भैया पिस्टल उठाई फिर रहे। भैया क्या कर रहे हैं, फ्रैक्चर हो जाएगा। चोट के डर से उस लफंगे के साथ अपनी बहन को कमरे में रहने दो। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दो मिनट इंतजार कर ले, मैं हथौड़ी लेके आ रहा हूँ, गोली मत चलाइएगा प्लीज। अरे जल्दी जाओ। करता हूँ बेटा मैं तेरा बंदोबस्त। देखा आ गया लॉक मास्टर। हो गया, हट जाओ पीछे। भैया पीछे हो जाओ, हम कह रहे पीछे हट जाओ। भैया भैया नहीं 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 भैया, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है भैया। अरे भैया वो उसे कुछ भी नहीं किया है, वो तो मशरूम ढूंढते ढूंढते मेरे कमरे में आ गया। मैं आई, मैंने लॉक लगा दिया, मैंने आदिल भाई को कहा था ताला ठीक करवाए। वो लड़का शरीफ है। ये सुन लिया है, मेरा बेटा कितना शरीफ है और खानदानी भी है, जो देख रहा है ना वही है सच। हमने कभी अपनी हकीकत छुपाने के लिए झूठ का सहारा लिया ही नहीं है। तुम्हारी लड़की तो शादी ही नहीं करना चाहती थी। ए लड़की
क्यों तुम्हें ड्रामे करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें अपने भाइयों को बता देना था कि तुम शादी नहीं करना चाहती। चल मुराद, हमने नहीं इस पागल खाने में रिश्ता करना। अरे बुढ़िया, तुम इस लायक नहीं हो, हमारी मन्नत के लायक नहीं हो तुम गैर खानदानी लोग। इतने ही तुम खानदानी हो तो पहले अपने घर के दरवाजों के लोग तो ठीक ना हो। भैया भैया, इट्स ओके ब्लड प्रेशर। क्या जरूरत है ऐसे लोगों के साथ रहने की जो तुम्हें समझते ही नहीं? तो वहां जाओ ना जहां तुम्हारी कदर हो, जो तुम्हें समझ सकता हो। कहां जाऊं? मेरे दिलों में, मेरे घर में, मेरे पास। देखो अब सारी चीजें तय हो, हम लोग रिश्ता लेकर आए, बस तुम हाँ कर दो। नजर मिली जब उनसे बस कर दो, क्यों कर रही हो इतना गुस्सा, क्या हो गया? यार क्यों ना करूं मैं गुस्सा, पिछले 20 दिनों में ये छठा रिश्ता है जो तुम्हारी बहन की उल्टी सीधी हरकतों की वजह से भाग गया है। माना कि स्पॉइल्ड है, अकलौती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सारी जिंदगी उसको घर पे बिठाना है, शादी नहीं करनी उसकी। कर देंगे उसकी शादी, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? भाई तुम अच्छी तरह जानती हो मन्नत के मिजाज को, थोड़ी सी जिद्दी है, जब शादी करनी होगी हो जाएगी शादी उसकी। ट्राई टू अंडरस्टैंड आदिल, यही टाइम है अच्छे रिश्ते ढूंढने का, ये वक्त हाथ से निकल गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अच्छा तो अब मेरी लाडली बहन तुम्हें बोझ लगने लगी है, तुम तो बहुत प्यार करती थी उस बहनों की तरह। फजूल बातें मत करो, यू नो वेरी वेल व्हाट आई मीन। मेरी बहन है इसलिए मैं परेशान हो रही हूँ। आज आपकी अम्मी जिंदा होती ना तो वो भी यही बात करती जो मैं कर रही हूँ। तुमसे ज्यादा फिक्र है मुझे, ये नहीं कह रही कि तुम्हारा कसूर है, मन्नत का भी कसूर नहीं, बट शी इज सो स्टबर्न। और मुझे अफसोस ना भैया पे हो रहा है, उसके हर ड्रामे में उसका साथ देते। माना कि अकलौती है, लाडली है, मगर क्या कभी खुद से अलग करना ही नहीं है उसे? पहले उसकी परवरिश के चक्कर में खुद शादी नहीं की, अब उसकी नहीं होने दे रहे। लाइक व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू? सबिया अब तुम ज्यादती कर रही हो, तुम भैया की नीयत पे कैसे शक कर सकती हो? उन्होंने तो सारी जिंदगी इस खानदान के भले के लिए गुजार दी। मैं मानता हूं वो जज्बात में आकर कभी कभी गलत फैसले कर देते हैं, और जाहिर है तन्हाई के साथ साथ थोड़े से गुस्से वाले और तल्ख मिजाज हो गए, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि हम उनकी कुर्बानियों को फरामोश करके उनसे बदगुमान हो। आदिल आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, लेकिन भैया को भी तो समझाना जरूरी है ना, व्हाट कैन वी डू? मैं ये कोशिश कर सकता हूं कि मैं आपके इस सवाल का जवाब ढूंढूं। थैंक यू, मैं बस इतना ही कह रही। अच्छी लग रही हो। बेवकूफी की बातें मत करो नफीस, माना कि छोटी बहन अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसकी खातिर दुनिया ही त्याग दो। शादी कर लोगे तो आने वाली तुमसे बढ़कर मन्नत का ख्याल रखेगी। और ना रखा तो शादी के बाद मेरा ध्यान मेरी बीवी और बच्चों की जानिब हो गया था, मन्नत का क्या होगा? और जब मन्नत एक दिन ब्याह के अपने घर की हो जाएगी तो तब तुम्हारा क्या होगा? कुछ अपने बारे में भी सोचा है तुमने नफीस अहमद?
प्रोफेसर, यहाँ तो सब कुछ इतना एक्सपेंसिव है, मैं घर जाके खाना बना देती ना आपको। यार तुम फिक्र क्यों कर रही हो, इतने दिनों से घर का ही खाना तो खा रहे हैं हम। आज मेरा दिल कर रहा था बाहर का खाना खाने का। ऑर्डर करो। ऐसल सॉरी, मुझे ना बहुत एम्बेरसमेंट होती है, आप ऐसे पैरों की तरह अम्मी के दरवाजे से वापस आ जाते हैं। सॉरी। तुम्हें पता है ना, मैं दिल पे नहीं लेता इन छोटी छोटी बातों को। वैसे आपको पता है, अब ना आहिस्ता आहिस्ता अम्मी की नाराजगी कम होती जाती, अब आपका जिक्र आता है ना तो अम्मी के माथे पे बल भी नहीं पड़ते। तुम्हें जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। इतना आंटी पुराने ख्याल आपके, और उनको हम रातों रात तो नहीं बदल सकते ना। मैं जितना भी अच्छा हो जाऊं, मैं उनकी पसंद नहीं। उनका पसंदीदा दामाद तो चौधरी शौकत ही रहेगा ना, उनका भतीजा जो। खैर तुम ऑर्डर करो ना यार। आप बताना क्या अच्छा है यहाँ। सी फूड बहुत जबरदस्त। बड़े भैया, आप नाराज तो नहीं है ना मुझसे? हम क्यों नाराज होने लगे अपनी मंतु से? ये जो तुम्हारी छोटी छोटी शरारतें हैं, यही तो हमारी बेरौनक जिंदगी में रंग बिखेरती है, पता है? वो आदिल भाई और भाभी का मुझे ना जरा मूड ऑफ लग रहा। अरे नाम ही मत लो उस लड़के का हमारे सामने। अगर सबिया ने हमें तुम्हारे सर की कसम ना दी होती ना, तुम तो गोली से उड़ा चुके होते उसे। बड़े आए हमारी मन्नत का रिश्ता मांगे। उस लड़के की मां सठियाई हुई औरत, ऊपर से तीन तीन बहने। अरे भाई ऐसे घर में अपनी प्यारी बेटी को ब्याहने का मतलब है कुएं में धकेलना। ये तो अच्छा हो गया तुमकी असलियत सामने आ गई। अच्छा चले ना, इतना परेशान ना हो, ठीक है? जल्दी से जाके सो जाए, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। जीती रहो मेरी बेटी। दवाई ले लीजिएगा। अच्छा है तुम्हें हया नहीं आई? मैडम बीमार आई है, कैसे घर में तुमने हमें भेजा है? तुमने मेरे बेटे को समझ क्या रखा है? उसको रिश्तों की कमी है कोई? लानत है ऐसी खूबसूरती पर। वैसे भी मेरे बेटे की तो जूती जैसी भी नहीं थी, और वो उसका घुमंडी भाई है, बंदूक निकाल के ले आया था। वो समझता क्या है वो अपने आप को? नहीं मैंने सुननी तुम्हारी कोई बात, बिल्कुल नहीं। एक पैसा भी नहीं देना मैंने तुम्हें, और बल्कि तुम हमारे पैसे वापस करो। वापस नहीं करने तो अभी के अभी हमें रिश्ता दिखाओ एक नया। अब मैंने एक पैसा भी इजाफी नहीं देना। कान खोल कर सुन लो तुम। अच्छा बहुत ही सिरे चढ़ गई है। राध इधर आके बहु में गाल करनी है। हाँ हाँ मैं गाल पे करनी है तोर पे। एक हड़दा नहीं। अम्मी मैंने शादी नहीं करनी। की क्या आई? मैंने कहा है मैंने शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? केड़ी मां ने पट्टियां पढ़ाईया ने हुण तैनू? कोई नहीं पढ़ा, नहीं करनी तो नहीं करनी। आप मेरे लिए लड़कियां देखने का सिलसिला बंद कर प्लीज।